ज़्यादा जहरीला सांप होता है, ये कोबरा से भी 3 गुना ज़्यादा जहरीला होता है और ये अक्सर रात में निकलता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम 3 स्नेक रिलीज करने को आए हैं। तो कल रात को ये कॉमन क्रेट सांप पकड़ा था, जो कि सबसे जहरीला सांप होता है इंडिया का। और ये चिकट किलबैक है, जिसे हम दीवड़ कहते हैं। ये वेनमस तो नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़ोरों से काटता है। और ये है रेड स्नेक, जो कि काफ़ी बड़ा है, लगभग 6 से 7 फुट का है, और जिसे हम कल रेस्क्यू किया था। तो चलिए अभी इन तीनों को नेचर में रिलीज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दीवड़ सांप को रिलीज़ कर देते हैं। ये काफ़ी कॉमन सांप होते हैं, हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, और ये पानी वाला सांप होता है। तो चलिए इसे रिलीज़ कर देते हैं। तो चलिए अभी ये रेड स्नेक को रिलीज़ कर देते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी है। इसे कल एक खाली प्लॉट से रेस्क्यू किया था। और ये होता है कॉमन क्रेट, जिसे हम मराठी में मन्यार कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है। ये कोबरा से भी 3 गुना ज़्यादा जहरीला होता है और ये अक्सर रात में निकलता है। और अक्सर ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि गर्मी की तलाश करते करते इंसानों के घर में आ जाते हैं और ये अपने बिस्तर में घुस जाते हैं। तो अक्सर ऐसी संभावना हो जाती है कि ये रात को नींद में ही लोगों को काट लेते हैं। तो चलिए अभी इसे रिलीज़ कर देते हैं। सांप जो है वो कभी बेवजह किसी को काटता नहीं, जब जब तक उसे ऐसा लगता नहीं कि आगे वाले इंसान से हमें खतरा नहीं है, जब तक वो उन्हें काटते नहीं है, तो अक्सर कोइंसिडेंस हो जाता है। और उनका हाथ या पैर अगर सांप पर गिर गया तो अक्सर रात में ये काट लेते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी छोटा बेबी कॉमन क्रेट है, जो कि एक मीडियम साइज़ में आता है। ये लगभग 4 से 5 फुट तक बढ़ते हैं और ये एक फुट का एक जुवेनाइल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।